कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर Q&A। बहुत टाइम बाद हम लोग जो है Q&A कर रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, तो इसका जो है एक और पार्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब कल परसों में कभी भी डाल दूंगा ताकि किसी का भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। और एक और आज स्पेशल चीज आप लोगों के लिए, क्योंकि जिसकी वजह से सारा कुछ पॉसिबल हो पाया और उसको ना बताएं तो क्या ही फायदा। तो थैंक यू सो मच, सिल्वर प्ले बटन हमारा जो है आ चुका है। आप लोगों को एक फोटो वीडियो जो भी रहेगा वो भी मैं जरूर जो है पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उसको भी आप लोग जो है देख लेना। और बस यही बोलना है कि इसके लिए थैंक यू सो मच। सिल्वर है, गोल्ड आए, आगे बस आते रहे, ऐसे आप लोग जो है सपोर्ट करते रहो। बढ़ते हैं हमारी Q&A वीडियो के साथ। आप लोगों को जो है आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है क्रिप्टो गेमिंग ने, एवरीबॉडी सेज बिकॉज ऑफ बैटरी साइकिल बैटरी हेल्थ डिक्रीजेस एंड दे ऑल्सो से टू मेंटेन 40-80%, बट इट विल कॉस्ट चार्जिंग माई डिवाइस चॉइस और थ्राइस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो 40-80% का जो एक क्राइटेरिया, ये बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30% से 90-95% तक आप लोगों को जो है चार्ज करना चाहिए। और जहाँ पे ये बात है कि अगर हम ऐसा चार्ज करते हैं तो 2-3 बार करना पड़ेगा, देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल प्रोसेस है। अगर 0-100 करोगे तब भी वही चीज़ है, अगर 40-80 करोगे या 30-90 करोगे तब भी वही चीज़ है। बस उसमें इतना बात है कि आपको चार्ज तो 2 बार करना पड़ेगा या 3 बार करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी बैटरी 20-10% तक जाती है तो वो और ज्यादा जो है यहाँ पे डिग्रेड होती है। तो इसलिए बेटर है कि आप लोगों को हमेशा फोन को जो है 30 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है विराट कोहली ने क्वेश्चन पूछा। और एक और चीज, आज वीडियो क्यों आ रही है कि कल है रिवेंज टाइम, क्रिकेट लवर समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, ब्रो ये बताओ कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी सेल में कैश करो से कैशबैक मिलेगा, परचेज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, बेनिफिट है? कैश करो के ऊपर मैंने जो है पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि इंडिया की जो है लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है, फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा, और आप लोगों को जो है 1500 प्लस वेबसाइट्स देखने के लिए मिलती है। और जो भी कैशबैक है बिल्कुल रियल आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशली अब जो सेल वगैरह आ रही है अमेजन फ्लिपकार्ट की, तो आप लोगों को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इतनी सारी वेबसाइट है, मेन है अमेजन और फ्लिपकार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजन सर्च किया, आपको ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है, एक्टिवेट रिवॉर्ड्स पे क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स परचेज करना है या आईफोन 13 परचेज करना है, तो सिंपली अमेजन पे सर्च करो और परचेज करो, और जो भी कैशबैक होगा वो आपके माई अर्निंग सेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही आएगा आप उसको रिडीम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में या कोई भी वाउचर के फॉर्म में आप उसको जो है रिडीम कर सकते हो। और मैं बताऊं तो मैं जब भी शॉपिंग करता हूं मैं हमेशा यूज करता हूं, तो आप लोगों को भी जो मैं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है इंडिया ने #SundayQ&A या SaturdayQ&A, लव यू ब्रो, सील पैक आईफोन 12 एंड आईफोन 13 ग्लोबल वेरियंट सबसे चीप कहां से परचेज करें? तो अभी ये सब चीजें छोड़ दो, 12 और 13 दोनों पे जो है एक आप लोगों को MRP कार्ड देखने के लिए मिलेगा। कोई डिसकंटिन्यू होगा नहीं होगा वो 7 सितंबर को पता चलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि भी वेट करो, इंडिया और दुबई की प्राइसिंग में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, तो आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल है। ग्लोबल वर्जन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्लोबल वर्जन लेनी है तो आप लोगों को जो है प्रो और प्रो मैक्स लेने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैश ने, सैश ने, यू वन सेड दैट सेल शुरू होते ही आईफोन लोएस्ट प्राइस पे सिर्फ 1-2 आवर्स के लिए होते हैं, तो क्या उसके बाद प्राइस इंक्रीज होगा, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की थोड़ी सी यहाँ पे मैनिपुलेशन जरूर रहती है। फॉर एग्जांपल आईफोन 13 की प्राइसिंग हुई 52,000 रुपीज या कोई भी आप लोग जो है प्राइसिंग ले लो, तो रात को 12 बजे जब सेल स्टार्ट होगी उसके 1-2 घंटे बाद प्राइसिंग जो है 1-2 हज़ार इंक्रीज कर देते हैं। जितने लोग बेनिफिट उठा पाए उतने लोग उठा पाते, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक क्लियर उतना हो जाता है जो टारगेट होता है बेसिकली, उसके बाद 2-3 हज़ार प्राइस जो है इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जितना पहले खरीद लो उतना बेटर है, बाद में भी प्राइस अच्छा मिलेगा ऐसे नहीं अच्छा नहीं मिलेगा, बट चांसेस कम होते हैं 1-2 हज़ार जो है प्राइस आप लोगों को इंक्रीज देखने के लिए मिल जाता है। तो बेटर है आप लोग जो है पहले उसको परचेज कर लो, और सेम यहाँ पे जो है वैलिड है चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अक्षित ने, हेलो आई वॉन्ट टू आस्क लाइक आईफोन 14 वुड बी अवेलेबल इन दुबई आफ्टर लॉन्च एंड कैन बी अवेल GST विद दुबई? देखो GST पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, GST सिर्फ इंडिया में चलता है, दुबई में पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पे जो दुबई का वैट वगैरह रहता है आपको वो रिफंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एयरपोर्ट पे। और बात रही यहाँ पे इनका एक और क्वेश्चन है कि दुबई में कहाँ से परचेज करना चाहिए, एप्पल स्टोर से या फिर जो मीना बाजार वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, वो जो एक होलसेल मार्केट है, अभी भी वहाँ पे जो है सारा कुछ ब्लैक में मिलेगा, उल्टा महंगा मिलेगा। अगर आपको परचेज करना है दुबई से तो 2-3 महीने बाद परचेज करना, सस्ता मिलेगा आपको। और आपको अगर मैं बोलूँ वारंटी वगैरह तो आपको एप्पल स्टोर से ही मिलेगी, अगर आप बिल लेते हो आपको इंडिया आके भी जो वारंटी मिल जाएगी, बट अगर आप मीना बाजार से लेते हो तो वहाँ पे आपको जो वारंटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैरियन ने, शुड आई बाय एप्पल वॉच सीरीज 7 और बाय सीरीज 8? अभी लीक्स के हिसाब से सीरीज 8 में कोई बड़ा डिफरेंस या चेंज नहीं आ रहा,
मेन चीज मैं यही बोलूंगा कि एप्पल इवेंट का वेट करो, अगर सीरीज 7 पे अच्छा डिस्काउंट आता है आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली सीरीज 7 परचेस करना, अगर एक दो फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो ही सीरीज 8 पे अपग्रेड करने का फायदा, वरना ऐसा कोई भी नीड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमराज ने, सर यू गिव अस नाइस इन्फॉर्मेशन, मैं आईफोन 12 की वारंटी एक्सटेंड करवा रहा हूँ और इनकी बैटरी हेल्थ जो है 92% है, तो ये बोल रहे कि बेसिकली बैटरी एक्सटेंड कराने के बाद क्या इनको बैटरी रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई थर्ड पार्टी वारंटी इंक्रीज करवाते हो तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी रिप्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर एप्पल की वारंटी एक्सटेंड कराते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा और तब तक वैलिड रहेगा अगर आपकी बैटरी हेल्थ 80% से नीचे जाती है, तभी वो जो है फ्री में रिप्लेस करके देंगे, वरना वो बिल्कुल भी रिप्लेस करके नहीं देंगे। तो अगर आप एप्पल की वारंटी लोगे तो ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खालिद ने, एयरपॉड्स सीरीज की क्या प्राइस होने वाली है भाई बिग बिलियन डे सेल में? तो देखो 3 है, प्रो है और 2 है। 2 की लास्ट टाइम प्राइसिंग गई थी अराउंड 8,000 रुपीज, इस टाइम पे 1,500 आप लोग जो और कम कर सकते हो, अराउंड 6,500 या 7,000 रुपीज के बीच में रहने वाली है। वहीं पे एयरपॉड्स प्रो की जो प्राइसिंग है वो अराउंड 15,000-16,000 रुपीज होने वाली है और एयरपॉड्स 3 की भी जो है आसपास इतनी होने वाली है। दोनों में जो है 1-2 हज़ार का डिफरेंस होगा, यहाँ पे कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि एयरपॉड्स 3 नए हैं तो बहुत मैसिव डिस्काउंट भी नहीं होगा और एयरपॉड्स प्रो इतने पुराने हैं जो कि एक्चुअली में एयरपॉड्स 3 से महंगे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स 3 में जो है 1-2 हज़ार का डिफरेंस होने वाला है, वहीं पे एयरपॉड्स 2 आप लोगों को 6-7 हज़ार के देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीर नासिर ने, ब्रो मेरे को मैकबुक बाय करना है 5-6 के लिए, तो मैकबुक एयर M2 बाय करो फिर मैकबुक प्रो M2? तो मैं बोलूँगा अगर 5-6 साल के लिए यूज़ करना है, दोनों अच्छे लैपटॉप हैं, अगर आपका काम ज़्यादा एडिटिंग वगैरह और 5-6 साल के लिए यूज़ करना है तो थोड़े से वैसे आप लोगों को जो ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो मैकबुक प्रो जो है परचेज करना बेटर रहेगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन गेम चेंजर ने पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईफोन 14 के कुछ लेटेस्ट लीक्स बता दो भाई, आपने कलर लीक जो इंस्टा पे फोटो डाला था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आईफोन 14 के कुछ लेटेस्ट लीक। और एक और चीज़ जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम पेज और एक नया यूट्यूब चैनल जो मैंने ओपन किया, अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे कहीं पे आपकी स्क्रीन पे जो है आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आईफोन 14 के 2 कलर पर्पल मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बताता हूँ आ रहा, और एक नया ब्लू कलर है जो मे बी आ सकता है लीक्स के अकॉर्डिंग, देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम से ब्लू देख रहे हैं और एप्पल का सबसे ज्यादा सेल होने वाला कलर एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के जो है वो ब्लू ही रहा है। एप्पल का जो है ब्लू बहुत ज्यादा फेमस हुआ और मैक्सिमम लोग जो है ब्लू को पसंद करते हैं, तो मे बी एप्पल निकाल दो और जो ब्लू होने वाला है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और साथ में आप लोगों को जो है पर्पल या ग्रीन देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जो भी रहेगा वो एप्पल अपनी इवेंट में ही आप लोगों को बताएगा। और लास्ट चीज जो एक फीचर है वो है सैटेलाइट फीचर, हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे एस्ट्रो फोटोग्राफी और ये सब वगैरह, तो मेनली अभी यहाँ पे जो है लीक निकल के आया कि एप्पल लॉन्च करने वाला है सैटेलाइट फीचर, जो एप्पल ने अपना टीजर भी दिया एप्पल इवेंट के लिए, तो आप लोगों को जो है कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारा कुछ जो है हम लोगों को इवेंट में देखने के लिए मिलेगा और जो भी और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लीक्स अब आएंगे मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ना बताऊँ, अब इवेंट में आप लोग इंजॉय करो, सारा कुछ पहले बता देंगे तो फिर वो मजा नहीं आता, तो जो भी मैक्सिमम रहेगा हम लोग जो अब इवेंट में देखेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की Q&A वीडियो, एक और चीज आप लोगों को जो है बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।